हेलो पाइथन प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय पाइथन स्टेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे हम पाइथन कोड की मदद से इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जीयूआई बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की मीनिंग बता देता हूँ। ये दोनों एक प्रोसेस होते हैं जो कि डाटा को ट्रांसलेट करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंक्रिप्शन प्रोसेस की बात करता हूँ। जो इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो प्लेन टेक्स्ट डाटा को मीनिंगलेस डाटा में ट्रांसलेट करता है, और जो डिक्रिप्शन प्रोसेस होता है वो इसका सेम उल्टा होता है, वो मीनिंगलेस डाटा को प्लेन टेक्स्ट डाटा में ट्रांसलेट करता है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ करके, ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाकर तैयार कर लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें टेक्स्ट एंटर करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट डाल देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डाल दिया। अब जो ये हमारा हेलो वर्ल्ड है, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट डाटा होता है। अब इसके नीचे हमें यहाँ पर सीक्रेट की डालना है, तो यहाँ पर मैं अपना सीक्रेट की डाल देता हूँ। अब जैसे ही मैं इंक्रिप्ट वाला बटन को प्रेस करूँगा तो ये हमारा इंक्रिप्ट मैसेज यहाँ पर मिल जाएगा, एक स्क्रीन दूसरी मिलेगी। तो मैं यहाँ पर इंक्रिप्ट वाला बटन दबाया, देखिए मुझे यहाँ पर दूसरी स्क्रीन मिल गई। अब ये हमारा मीनिंगलेस डाटा है। तो इसी तरह हम लोग जीयूआई बना सकते हैं। अब मैं इसको कॉपी करके और यहाँ से प्लेन टेक्स्ट डाटा को हटाकर मीनिंगलेस डाटा को यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब जैसे मैं डिक्रिप्ट वाला बटन पर प्रेस करूँगा तो ये हमें प्लेन टेक्स्ट डाटा का मैसेज मिल जाएगा। देखिए मैं डिक्रिप्ट वाला बटन प्रेस किया तो हमें यहाँ पर ये प्लेन टेक्स्ट डाटा मिल गया। तो इसी तरह हम लोग भी यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, इस तरह जीयूआई बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम कोड बनाना सीखते हैं। तो इस कोड को बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले दो मॉड्यूल को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए हम सबसे पहले टर्मिनल में जाएंगे और वहाँ जाकर दोनों मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम किंटर मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर हमें दो मॉड्यूल चाहिए, पहला है किंटर मॉड्यूल, दूसरा है PS64 मॉड्यूल। तो हम यहाँ पर पहला किंटर मॉड्यूल डाउनलोड कर लेते हैं, पिप इंस्टॉल और किंटर लिखेंगे। किंटर को टी से लिखा जाता है, TKINTER। इतना लिखने के बाद हमें एंटर प्रेस करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ये हमारा मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ हम दूसरा मॉड्यूल भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए भी हमें यहाँ पर पिप इंस्टॉल लिखना पड़ेगा और मॉड्यूल का नाम, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पिप इंस्टॉल और मॉड्यूल का नाम है Base64। तो हम यहाँ पर Base64 लिख देते हैं। इतना लिखने के बाद हमें फिर से एंटर प्रेस करना है। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हमारा मॉड्यूल यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा दोनों। अब दोनों मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें अपने कोड में इन दोनों मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेना है। तो सबसे पहले हम किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल। तो किंटर मॉड्यूल में से हम सारे चीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए। अब सेकेंड मॉड्यूल को भी इसी तरह इंपोर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे इंपोर्ट Base64। तो हमने यहाँ पर अपने कोड में दोनों मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक विंडो बनाना है, स्क्रीन बनाना है, जिसमें हमारा इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वाला जीयूआई दिखेगा। तो स्क्रीन बनाने के लिए हम यहाँ पे टीके क्लास का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए एक पहले यहाँ पर इंस्टेंस बनाएंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ स्क्रीन नाम से, स्क्रीन नाम से इंस्टेंस बना लिया और यहाँ पर टीके क्लास का यूज़ करूँगा। टी कैपिटल में रहेगा, के स्मॉल में, ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो हमने यहाँ पर टीके क्लास का एक स्क्रीन यहाँ पर वेरिएबल बना लिया है, जिससे हमारा विंडो बनकर तैयार होगा। अब लास्ट हमें यहाँ पर मेन लूप चला देना है। इतना करेंगे, अब यहाँ पर जैसे रन करेंगे तो हमारा यहाँ पर विंडो स्क्रीन बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी ये स्क्रीन बनकर तैयार हो गई है। ये अभी बहुत छोटी स्क्रीन है, इसको बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब जो भी काम करना है हमें इस विंडो के नीचे और मेन लूप के ऊपर करना है, इसके बीच में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी साइज़ बड़ी करनी है। तो साइज़ बड़ी करने के लिए हम सबसे पहले विंडो का नाम लिखेंगे जो कि हमारा स्क्रीन नाम से है। तो हम यहाँ पे स्क्रीन लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और साइज़ को छोटा बड़ा करने के लिए हम यहाँ पे ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर हम यहाँ पर साइज़ दे देंगे, स्ट्रिंग के अंदर हमें साइज़ देना होता है। सबसे पहले हमें विड्थ देना पड़ता है, उसके बाद हाइट देना पड़ता है। कैसे देंगे देखिए, तो विड्थ इसकी मैं मान लीजिए दे देता हूँ 420। अब बीच में x लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें हाइट देना है, तो हाइट भी मैं यहाँ पर 420 इसकी दे देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो हमारी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ये देखिए हमारी ये स्क्रीन बड़ी हो गई है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये टाइटल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट टीके दिखाता है। अगर आपको इसको भी चेंज करना है तो ये भी हो जाएगा, और यहाँ पर जो स्क्रीन का कलर है ये भी चेंज हो जाता है। कैसे होगा ये देखिए आप,
तो अभी मैं क्या करूँगा, इसका टाइटल और स्क्रीन का कलर चेंज करूँगा। तो सबसे पहले हम टाइटल चेंज करते हैं। टाइटल चेंज करने के लिए फिर से हम स्क्रीन का नाम लिखेंगे जिस नाम से हमने विंडो बनाया है। तो हम यहाँ पे स्क्रीन लिखेंगे, डॉट लगाएंगे। टाइटल चेंज करने के लिए हम यहाँ पे टाइटल फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर हमें जो भी टाइटल देना है वो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर दे देंगे। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के GUI। तो हम यहाँ पे मान लीजिए टाइटल दे देते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये हमने टाइटल दे दिया है। अब इसको मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए हमारा यहाँ पर टाइटल ये चेंज हो चुका है। अब मैं इसका ये स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए फिर से हम विंडो का नाम लिखेंगे। विंडो का नाम है स्क्रीन डॉट। अब हमें यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को कलर चेंज करने के लिए कॉन्फ़िगर फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें जो भी कलर देना है वो हम यहाँ पर कैसे देंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड लिखेंगे। बैकग्राउंड को स्मॉल में लिखते हैं BG, इक्वल टू लगाएंगे और स्ट्रिंग के अंदर जो भी बैकग्राउंड कलर हमें चाहिए वो दे देंगे। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर चाहिए ग्रे कलर, तो मैं यहाँ पर ग्रे दे देता हूँ। अब मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो ये हमारी बैकग्राउंड कलर स्क्रीन की चेंज हो चुकी है, ये ग्रे कलर में हो गई है। आपको जिस कलर में भी चाहिए वो यहाँ पर आप कलर दे देंगे तो आपको यहाँ पर बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो हमारे GUI में सबसे पहले क्या था, एक हेडिंग थी जिसमें लिखा था एंटर टेक्स्ट फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। तो हेडिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करते हैं। अभी हम खाली टिंकर मॉड्यूल का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। किंटर मॉड्यूल से ही हमारा यहाँ पर सारी चीज़ बनेगी, बटन भी बनेगा, जो यहाँ पर टेक्स्ट डाला जाता है वो भी सारी चीज़ यहाँ पर किंटर मॉड्यूल से बनती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग बनाने के लिए हम लेबल विजिट का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट लिख देता हूँ, लेबल। इसी की मदद से हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लेबल विजिट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लेबल विजिट का हमने ये यूज़ कर लिया है। अब ये लेबल हमें किसके अंदर रखना है, स्क्रीन के अंदर रखना है, जिस नाम से हमने विंडो बनाया है। तो यहाँ पर हम स्क्रीन लिखेंगे क्योंकि हमको इसी के अंदर तो लेबल रखना है, हेडिंग रखना है। अब कॉमा लगाएंगे। अब हेडिंग में हमें क्या लिख के दिखाना है, टेक्स्ट हमारी हेडिंग की क्या रहेगी वो हम यहाँ पर देंगे। तो टेक्स्ट इक्वल टू लगाएंगे और स्ट्रिंग के अंदर जो भी हमें टेक्स्ट देना है वो यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट देता हूँ, एंटर द टेक्स्ट फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ये हमने टेक्स्ट दे दिया, जो हमारी हेडिंग का टेक्स्ट होगा ये हमने दे दिया है। अब इसको हमें पैक भी करना होगा, बिना पैक किए ये हमें दिखाई नहीं देगा। तो हम इसके यहाँ पे आगे आके डॉट लगाएंगे, प्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे प्लेस फंक्शन का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें एक्स एक्सिस देना पड़ता है, वाई एक्सिस देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पर देख लेता हूँ कि कहाँ पर एडजस्ट हो रहा है हमारा। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसे हटा दूँ ताकि आपको दिख सके आसानी से। तो यहाँ पर मैं एक्स दे देता हूँ इसका, मान लीजिए यहाँ पर दे देता हूँ 5, और वाई दे देता हूँ, y इक्वल टू इसके दे देता हूँ मैं 5, मान लीजिए मैं 6 दे देता हूँ। अभी मैं रन करके देखता हूँ, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा इस तरह कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अभी हेडिंग के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये हमें इसको थोड़ा और मोटा करना होगा, इसका फंट थोड़ा हमें चेंज करना होगा। तो फंट चेंज करने के लिए हम यहाँ पर इसको फंट भी दे देते हैं, जो हमारा टेक्स्ट का फंट होगा वो हम यहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर इसको कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर फंट लिखेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और स्ट्रिंग के अंदर हमें फंड दे देना होगा। तो फंड के बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे एरियल होते हैं, इम्पैक्ट होते हैं, इम्पैक हो गए, सारे नाम होते हैं। जो भी आपको जिस हिसाब से रखना है आप अपने हिसाब से इसे टेक्स्ट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फंड दे देता हूँ इम्पैक, और फंड का साइज़ मैं यहाँ पर दे देता हूँ, मान लीजिए दे देता हूँ 14। और इसे बोल्ट में रखना है अगर फंड, तो मैं यहाँ पर बोल्ट लिख देता हूँ। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, तो हाँ अब ये हमारा एकदम बीचों बीच आ गया, फंड भी हमारा मोटा हो गया है। अब अगर इसका आपको बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है तो वो भी हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आना है, लास्ट में कॉमा लगाना है। बैकग्राउंड चेंज करना है तो उसके लिए BG लिख देंगे, BG इक्वल टू मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ येलो, स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है येलो। अब यहाँ पे है हमारे हेडिंग का बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा इस तरह। ये हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। तो मुझे यहाँ पर वाइट ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैं बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ। अब अगर आपको रखना है तो आप इस तरह रख सकते हैं बैकग्राउंड कलर।
तो हमने पहला काम कर लिया है जो हमने हेडिंग बना लिया है। अब मुझे क्या करना है, उसके नीचे एक वो टेक्स्ट टेक्स्ट विजिट डालना है जिसमें यूज़र अपना टेक्स्ट डाल सकेगा, उसको इंक्रिप्ट कर सकेगा तो डिक्रिप्ट कर सकेगा। तो उसके लिए टेक्स्ट डालने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट विजिट का यूज़ करेंगे हम। तो नेक्स्ट आएंगे, अब यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ टेक्स्ट। अब नीचे आके टेक्स्ट विजिट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये हमने टेक्स्ट विजिट का यूज़ कर लिया है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब ये हमें टेक्स्ट विजिट भी हमें विंडो के अंदर रखना, विंडो का नाम है हमारा स्क्रीन, तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्क्रीन लिख देते हैं। स्क्रीन लिखने के बाद अब यहाँ पे हम इसका फंड थोड़ा मोटा कर देते हैं कि जो भी यूज़र एंटर करेगा टेक्स्ट उसका फंड मोटा होके आएगा। तो हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे फंड लिख देंगे, फंड इक्वल टू 20। ये हम फंड की साइज दे दे रहे हैं 20। और अब इसको थोड़ा इसको हम एक वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं, जो हमारा टेक्स्ट विजिट है इसको हम वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पर रख देता हूँ टेक्स्ट 1 इक्वल टू लगा दिया। अब इसके अंदर मैं रख दिया हूँ। हम नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट आके हम फिर से इसको भी हमें प्लेस करना होगा, नहीं प्लेस करेंगे तो हमें ये दिखाई नहीं देगा। मैं आपको रन करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें टेक्स्ट वाला विजिट नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमें इसे प्लेस नहीं किया है। तो प्लेस करने के लिए सबसे पहले इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो कि हमारा टेक्स्ट 1, डॉट लगाएंगे और प्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह हम प्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसमें भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे देते हैं। तो एक्स दे देते हैं इसका हम, मान लीजिए एक्स दे देते हैं 5 और वाई दे देते हैं इसका 45, क्योंकि हमें नीचे रखना है, इक्वल टू लगाना है, हमारे हेडिंग के नीचे रखना है, तो इसका हम 45 दे देते हैं। और टेक्स्ट जो हमें टेक्स्ट एंटर करवाना है उसका थोड़ा मोटा दिखाई देगा तो अच्छा दिखाई देगा। इसको मैं रन करके अभी देखता हूँ तो हमें कुछ यहाँ पे सही नहीं दिखेगा। ये देखिए पूरे में ये आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर और भी चीज़ें रखना है तो इसकी मैं जो हाइट है उसको कम कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले विड्थ कर देता हूँ थोड़ा बीच में, इसको लाने के लिए इसकी विड्थ थोड़ा कम कर देता हूँ। WIT विड्थ इक्वल टू इसका मैं रख देता हूँ, हमारी स्क्रीन साइज थी 420 तो इसका मैं 410 रख देता हूँ ताकि हमारा ये थोड़ा बीच में आ जाए। और इसकी हाइट भी इसकी चेंज कर देता हूँ, हाइट इक्वल टू मैं कर देता हूँ 120 कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, अब ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट विजिट बन गया। अब यूज़र यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर अपना टेक्स्ट डाल सकता है इस तरह। अब इसके नीचे हमारा क्या था, सीक्रेट की डलवाने के लिए था। तो सबसे पहले एक हेडिंग बना देंगे जिसमें हमारा लिखा रहेगा एंटर सीक्रेट की। तो हेडिंग बनाने के लिए हम लेबल विजिट का यूज़ करते हैं। तो फिर से एक लेबल बना लेंगे, कमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ लेबल। कमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको सब चीज़ समझ में आ जाए क्या हो रहा है यहाँ पर। लेबल नीचे आएंगे, लेबल विजिट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है तो विंडो का नाम लिख देंगे जो कि हमारा स्क्रीन। फिर से कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट हमारा क्या है, एंटर सीक्रेट की। तो टेक्स्ट इक्वल टू डाल देते हैं एंटर सीक्रेट की। ये हमारा टेक्स्ट हो गया है। अब इसका भी आपको बैकग्राउंड कलर या फंड चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए मैं फंड इसका वही रख देता हूँ इम्पैक्ट, और इसके फंड का साइज मैं यहाँ पे मान लीजिए कर देता हूँ 13। और इसको भी मुझे बोल्ट में दिखाना तो मैं यहाँ पर बोल्ट लिख देता हूँ। तो ये हमारा लेवल बन के तैयार हो गया है। अब इसको हमें पैक प्लेस करना है। तो बाहर आएंगे, डॉट लगाएंगे और प्लेस फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये हमने प्लेस फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे देंगे। तो एक्स मान लीजिए मैं इसका दे देता हूँ 130, कॉमा लगाएंगे, वाई एक्सिस दे देता हूँ इसका मान लीजिए वह 180। रन करके देखता हूँ कहाँ पर आ रहा है। हाँ, ये हमारा एकदम सही आ रहा है, लेकिन मैं इसको अगर थोड़ा सा और नीचे कर दूँ, थोड़ा सा इधर बीच में इसको लाने के लिए हल्का से इसको नीचे कर देता हूँ, एक्स एक्सिस थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। एक्स एक्सिस हमारा ये होता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और वाई एक्सिस हमारा अप डाउन होता है। इसको मैं थोड़ा और बीच में लाता हूँ, इसको और नीचे थोड़ा कर देता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 138 कर देता हूँ, और इसको वाई एक्सिस में कर देता हूँ 185। अब रन करके देखता हूँ तो हाँ, अब ये हमारा एकदम बीच में आ गया।
अब यहाँ पर हमें सीक्रेट की एंटर करवाने के लिए यहाँ पर एंटी विजिट का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये एंटी विजिट का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे एंटी विजिट लिख देते हैं पहले कमेंट। हम नीचे आएंगे, यहाँ पे एंटी विजिट का यूज़ करेंगे। अब इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पर हम यहाँ पर इसका मान लीजिए थोड़ा बॉर्डर इसका मोटा करना है, तो बी डी इसका डाल देते हैं। बॉर्डर मोटा करने के लिए हम बी डी लिखते हैं, बी डी इक्वल टू इसकी वैल्यू दे देते हैं 4। और यहाँ पे इसका हम फंड भी थोड़ा से अच्छा कर देते हैं, ताकि कुछ भी एंटर करे तो उसका फंड यहाँ पर अच्छा दिखाई दे। आप अपने ये सब ऑप्शनल होता है, आप अपने हिसाब से इसको अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फंड इसका फिर से इम्पैक्ट दे देता हूँ, इम्पैक्ट कर देता हूँ। ये तो हमारा फंड छुपा ही रहेगा, तो इसका मैं सीधा साइज़ दे देता हूँ, साइज़ इसकी दे देता हूँ 20। और यहाँ पर इसको प्लेस कर देता हूँ, प्लेस में एक्स एक्सिस इसका दे देता हूँ। मान लीजिए इसको हमें कहाँ पर रखना है, इसके नीचे, इस लेवल के नीचे रखना है, तो मैं इसका दे देता हूँ 110। वाई दे देता हूँ इसका 220। देखता हूँ कहाँ पर आ रहा है हमारा। तो ये देखिए, जो हमने बीडी दिया था बॉर्डर, देखिए इससे बॉर्डर हमारा ये मोटा हो गया। आप इसका भी बॉर्डर चेंज करना होगा, तो लेबल वाले रे टेक्स्ट विजिट में जाकर इसका बीडी इक्वल टू आप इसकी वैल्यू दे सकते हैं, तो इसका भी ये मोटा हो जाएगा बॉर्डर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी हमें यहाँ सीक्रेट की एंटर कर सकते हैं, लेकिन जब भी सीक्रेट की या तो पासवर्ड एंटर किया जाता है तो उसको यहाँ पर दिखाया नहीं जाता, उसकी जगह स्टार यहाँ पर दिख के आता है, तो उसके लिए भी यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो एंटी विजिट के अंदर आके हम यहाँ पर लिखेंगे शो इक्वल टू, और यहाँ पर हम दे देते हैं स्टार, कि जो भी पासवर्ड सीक्रेट की एंटर हो तो उसकी जगह हमें स्टार दिखाई दे, तो यहाँ पर हम स्टार लिख देते हैं। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर सीक्रेट की जो भी डलेगा तो उसकी जगह यहाँ पर स्टार दिखाई देगा। देखिए इस तरह हमें यहाँ पर स्टार दिखाई देगा। थोड़ा GUI को मैं प्रोफेशनल बना रहा हूँ, ताकि दिखे कि प्रोफेशनल है। तो हमारा ये इतना बन के तैयार हो गया। लास्ट काम हमें यहाँ क्या करना है, 3 बटन लगाना है। पहला होगा इंक्रिप्ट वाला, दूसरा होगा डिक्रिप्ट बटन, तीसरा हमारा रीसेट बटन होगा, जिससे रीसेट बटन दबाने से ये सब सारा साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 बटन बनाना है हमें। तो नीचे आएंगे, यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ बटन। अब यहाँ पे बटन विजिट का यूज़ करेंगे, इसको भी हमें विंडो के अंदर रखना है, तो विंडो का नाम लिख देंगे और कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पे टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट दे देते हैं, टेक्स्ट हमारा बटन का क्या रहेगा, पहले सबसे पहला बटन हम देते हैं इंक्रिप्ट का, तो मिस्टिंग के अंदर इंक्रिप्ट लिख देते हैं, इंक्रिप्ट का बटन रहेगा। और इसका थोड़ा फंट हम थोड़ा मोटा कर देते हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर हम फिर से इसी इम्पैक्ट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर फंड की वैल्यू मैं दे देता हूँ, इम्पैक्ट नहीं आपकी दूसरा इसको यूज़ फंड यूज़ कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं एरियल का यूज़ कर लेता हूँ। और इसकी साइज़ मैं दे देता हूँ 15, और इसको भी मैं बोल्ट में रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं प्लेस इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं अभी आपको यहाँ पर एक एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको प्लेस करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। प्लेस फंक्शन यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस मैं इसका दे देता हूँ 15, और वाई दे देता हूँ इसको सबसे नीचे लाना है, तो अभी हमारा जो एंट्री था 220 पे था, तो इसके भी मुझे नीचे लाना है, तो इसका मैं वाई एक्सिस दे देता हूँ, मान लीजिए मैं इसका दे देता हूँ 280। तो अभी देखता हूँ ये कहाँ पे आ रहा है, रन कर देता हूँ इसको। तो हमारा ये यहाँ पे नीचे आ रहा है, लेकिन अभी हमें बटन सही से अच्छा नहीं लग रहा देखने में, तो इसका हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर मैं इसका चेंज करके देखता हूँ कैसा दिख रहा है ये। तो इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम इसके अंदर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, BG इक्वल टू लिख देते हैं, इसका कलर मैं रख देता हूँ, मान लीजिए इसका कलर मैं रख देता हूँ रेड में, तो स्ट्रिंग में मैं रेड लिख देता हूँ। आपको जिस कलर का बटन चाहिए आप यहाँ पर उसका कलर का नाम दे सकते हैं। और फोरग्राउंड का मतलब होता है टेस्ट का कलर, तो FG इक्वल टू मैं यहाँ पर देता हूँ वाइट, रेड के ऊपर वाइट अच्छा लगेगा। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ, तो ये देखिए आप हमारा थोड़ा ये बटन अच्छा दिख रहा है, मैं इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये हमारा प्रेस हो रहा है।
हमारा ये बटन बन गया है इंक्रिप्ट वाला। अब सेकंड बटन हम बना लेते हैं डिक्रिप्ट के लिए। यही सेम काम करना पड़ेगा, इसको आप मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बार बार लिखने से अच्छा है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा बटन का टेक्स्ट जो रहेगा वो डिक्रिप्ट का रहेगा, तो यहाँ पे मैं डिक्रिप्ट कर लिख देता हूँ। ये हमारा डिक्रिप्ट का बटन हो गया, और इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैं चेंज कर देता हूँ। तो इसका एक्स मैं रख देता हूँ 220, क्योंकि उसी के सामने मुझे यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे मैं 220 दे दिया, और इसका वाई एक्सिस दे देता हूँ 180। रन करके देखता हूँ तो ये ऊपर चला गया, मैं इसे नीचे करना है तो इसका मैं 280 कर देता हूँ। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ये दोनों बटन यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। जो इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट लिखा है इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, ताकि हमारा बटन भी थोड़ा बड़ा हो जाए। तो यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर में इसको लिख देता हूँ इंक्रिप्ट। आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, बस आपको सिखा रहा हूँ कि क्या चीज़ कैसे बनती है। यहाँ पर डिक्रिप्ट वाला लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया है, इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट रिटर्न। इसका मैं थोड़ा एक्स एक्सिस और बढ़ा देता हूँ, ताकि ये थोड़ा बीच में आ जाए। तो जो इंक्रिप्ट वाला था इसका मैं एक्स एक्सिस कर देता हूँ 25। रन करके देखता हूँ हमारा ये, और इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 35 करके देखता हूँ। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये अब हमारा बीच में ये बन के तैयार हो गया है। इसकी विथ मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छा लगे। तो विथ इसकी विथ बढ़ा दूंगा तो ये बटन थोड़ा हमारा बड़ा हो जाएगा, तो ये देखने में अच्छा लगेगा, क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से बटन हमारा छोटा दिखाई दे रहा है। तो दोनों की विथ मैं दे देता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, WIDTH इक्वल टू विथ इसकी मैं दे देता हूँ मान लीजिए 180। इसकी भी विथ दे देता हूँ, इसकी भी सेम ही रखता हूँ, दोनों बटन की विथ हमारी सेम रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। विथ इक्वल टू इसकी भी मैं देता हूँ 180। रन करके देखता हूँ, हाँ ये अब हमारा बन के ये अब सही लग रहा है। जितनी बड़ी हमारी स्क्रीन है उसके हिसाब से हमारा बटन अब सही दिख रहा है। तो एक्स इसका मैं कम कर देता हूँ, ताकि बहुत सटा ही है हमारा ये बटन। तो इसका फिर से मैं इंक्रिप्ट वाले का मैं इसका 15 ही रख देता हूँ। अब मैं देखता हूँ तो हाँ, अब ये हमारा एकदम बीचों बीच आ गया, बटन भी हमारा एकदम फिट हो गया स्क्रीन के हिसाब से। अब लास्ट बटन हमें बनाना है रीसेट का, तो मैं इसी तरह रीसेट का भी यहाँ पे बटन बना लेता हूँ। इसको मैं कॉपी करूँगा, नीचे आके पेस्ट कर दूँगा। कॉपी पेस्ट करना सही चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि वही बटन बनाने के लिए सेम काम करना पड़ा, टेक्स्ट हमें यहाँ पे खाली चेंज करना रहता है, टेक्स्ट और प्लेस का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगला बटन हमारा है रीसेट का, तो मैं यहाँ पे रीसेट लिख देता हूँ रीसेट, और इसका एक्स एक्सिस रख देता हूँ 60, और वाई एक्सिस इसका रख देता हूँ, बटन के नीचे रखना है तो वाई इसका मैं रख देता हूँ 350 रख दिया। अब विथ इसकी मैं बड़ा रखूँगा इन दोनों बटन से, क्योंकि ये बीच में एकदम नीचे रहेगा तो बड़ा रहेगा, तो इसकी विथ मैं रख देता हूँ 280। देखता हूँ कैसा दिख रहा है, हाँ तो एकदम ये हमारा सही आ गया। आप इसको छोटा बड़ा इसकी विथ के हिसाब से कर सकते हैं इसकी बटन का। लेकिन यहाँ पे मैं इसका बटन का कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका रेड है तो मैं इसका ग्रीन कर देता हूँ, इसका ब्लू कर देता हूँ, ताकि ये हमें बटन अच्छा दिखाई देगा। तो इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ पे बीजी जो हमारा है इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन, डिक्रिप्ट बटन का हमारा ग्रीन कलर हो जाएगा बैकग्राउंड। इसका मैं बैकग्राउंड कलर रीसेट बटन का कर देता हूँ ब्लू, यहाँ पे ब्लू कर दिया। इसको रन करके आप देखता हूँ तो अब ये हमारा देखने में अब एकदम सही लग रहा है। तब यह यहाँ पर हमारा GUI बन के तैयार हो गया है। अब इसका हम आगे क्या काम करेंगे, इसके फंक्शन भी काम करेंगे, कि जब हम यहाँ पे टेक्स्ट डालें, सीक्रेट की डालें, जब हम एंटर बटन यहाँ पे क्लिक करें इसका इंक्रिप्ट बटन पे, तो हमारा ये फंक्शन काम करे। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ डाल दिया है इस तरह, और सीक्रेट की यहाँ पे इस तरह डाल दिया है, और यहाँ पे इंक्रिप्ट बटन मैं दबा रहा हूँ तो अभी तो कुछ नहीं हो रहा है,
मैं अभी इसके आगे काम करूँगा कि जैसे मैं इंक्रिप्ट बटन दबाऊँ तो ये हमारा टेक्स्ट इंक्रिप्ट में प्रोसेस में ट्रांसलेट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए कैसे काम करेंगे। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है क्योंकि मैं इसके फंक्शन पर काम कर रहा हूँ। तो तीनों चीज़ का मैं यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा कि हमारा इंक्रीट बटन दबे तो कुछ और काम करे, डिक्रीट बटन प्रेस हो तो कुछ और काम करे फंक्शन, रीसेट बटन दबे तो कुछ और फंक्शन काम हो। जब हम चाहते हैं हमारा बटन दबे और फंक्शन काम करे तो उसके लिए हम यहाँ पे कमांड डालते हैं। तीनों में मैं कमांड डाल देता हूँ। कमांड इक्वल टू हम यहाँ पे फंक्शन का नाम देना, जिस भी नाम से हमें आपको फंक्शन बनाना है उस फंक्शन का यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। तो इंक्रिप्ट बटन का मैं फंक्शन बना लेता हूँ इंक्रिप्ट नाम से ही। तो मैं स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ इंक्रिप्ट। अब इसी तरह मुझे यहाँ पर, अब सबसे पहले इस बटन का मैं यहाँ पर फंक्शन बना लेता हूँ इंक्रिप्ट का। तो यहाँ पर अब ध्यान से आप देखिएगा ये हमारा मेन प्रोसेस यहीं पे है। मैं लेबल के ऊपर आ जाता हूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाऊँगा डेफ से, और सबसे पहले मुझे इंक्रिप्ट बटन का बनाना है। तो इंक्रिप्ट बटन का मैं कमांड क्या दिया था, इंक्रिप्ट। तो मैं डेफ इंक्रिप्ट ले देता हूँ इंक्रिप्ट। अब हम इंक्रिप्ट बटन पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा पासवर्ड एंटर हुआ है, सीक्रेट की एंटर हुआ है, वो सही है कि गलत। अगर गलत रहेगा तो हमारा आगे का प्रोसेस काम ही नहीं करेगा। कुछ इस तरह हम फंक्शन बनाने वाले हैं। तो जब यूज़र एंटर करेगा हमारा सीक्रेट की, तो उसको हमें पता करने के लिए हम यहाँ पर जो हमारा एंट्री विजिट है उसके अंदर हमें टेक्स्ट वेरिएबल देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एंट्री विजिट में आ जाते हैं, यहाँ पर हम टेक्स्ट वेरिएबल देंगे। टेक्स्ट वेरिएबल का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोड, कॉमा लगा देता हूँ। और इसी जो हमने टेक्स्ट वेरिएबल दिया था इसका हमें यहाँ पर स्ट्रिंग वर्ड फंक्शन में इसको रखना होगा। तो कोड इक्वल टू स्ट्रिंग वर्ड फंक्शन में हमें यहाँ पर रखना होगा इस तरह। तो इससे टेक्स्ट वेरिएबल देने से हमें क्या होगा, अब जो भी यूज़र पासवर्ड एंटर करेगा, सीक्रेट की एंटर करेगा, वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन में इसी तरह हम यहाँ पर काम करेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले दे देते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं पासवर्ड नाम से। पासवर्ड इक्वल टू, अब जो भी यूज़र सीक्रेट की एंटर करेगा उसको पता करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट वेरिएबल का नाम देंगे। यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल का नाम है कोड, डॉट गेट फंक्शन लगाएंगे। गेट फंक्शन इंफॉर्मेशन को फेच कर लेता है, पता कर लेता है कि क्या यूज़र एंटर किया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले पासवर्ड चेक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि अगर हमारा पासवर्ड सही है तभी आगे का प्रोसेस हमारा काम करे, वरना ना काम करे। तो हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ पासवर्ड डबल इक्वल टू। अब यहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड देना आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको खाली समझाने के लिए सिंपल पासवर्ड रख देता हूँ, 1234। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर काम करना है, डबल कोलन लगाया, एंटर हिट कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पासवर्ड पता कर रहे हैं कि हमारा जो एंट्री विजिट में हमारा सीक्रेट की डाला गया है वो सही है कि गलत। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाए हैं। अगर हमारा जो सीक्रेट की होगा 1234 होगा तभी आगे का प्रोसेस काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा दिए। अब नेक्स्ट आएंगे, अब नेक्स्ट हम किस पे काम करेंगे कि हमारा एक विंडो स्क्रीन दूसरी खुल गया है जिसमें हमारा इंक्रिप्ट मैसेज दिखाई दे, इंक्रिप्ट डाटा दिखाई दे। तो हम यहाँ पर एक स्क्रीन बना लेते हैं, एक वेरिएबल लिख देते हैं स्क्रीन वन नाम से। अब यहाँ पे हम दूसरी स्क्रीन बना रहे हैं, तो दूसरी एक स्क्रीन बनाने के लिए हम यहाँ पे टॉप लेवल विजिट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे टॉप लेवल विजिट का यूज़ करेंगे। टॉप लेवल विजिट से क्या होगा, जब भी जो स्क्रीन है वहाँ पे जब इंक्रिप्ट वाला बटन दबेगा तो हमारी एक दूसरी स्क्रीन खुल के आएगी। अब टॉप लेवल विजिट को हमें किसके अंदर रखना है, जो हमारी पहली स्क्रीन है। तो पहले स्क्रीन का नाम हमारा क्या था, ये स्क्रीन नाम था, ये हमारा स्क्रीन नाम था। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब इसको इसके अंदर मैं स्क्रीन लिख देता हूँ ताकि ये स्क्रीन के अंदर ही हमारी दूसरी स्क्रीन खुल के आए। तो हमने ये काम कर लिया। अब नेक्स्ट हम इसका टाइटल चेंज कर देंगे ताकि जब हमारा दूसरा स्क्रीन खुल के आए, इंक्रिप्ट बटन दबे, जब हमारा दूसरा स्क्रीन खुल के आए तो उसका टाइटल भी चेंज हो जाए, उसकी साइज़ भी चेंज हो जाए, उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए। आप ये सब ऑप्शनल होता है, थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए ये सब किया जाता है। तो अभी हम स्क्रीन पर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी स्क्रीन का टाइटल चेंज कर देता हूँ। तो टाइटल चेंज करने के लिए सबसे पहले स्क्रीन का नाम लिखेंगे। तो आपकी जो हमारी नई स्क्रीन का नाम है वो है स्क्रीन वन, स्क्रीन वन डॉट टाइटल फंक्शन यूज़ करेंगे। और इंक्रिप्ट बटन के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टाइटल हम इंक्रिप्शन लिख देते हैं।
इनक्रिप्शन, तो हमने ये टाइटल दे दिया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका साइज चेंज कर देते हैं, तो स्क्रीन वन डॉट साइज चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ज्योमेट्री फंक्शन का यूज़, तो हम ज्योमेट्री फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। अब जो भी आपको यहाँ पे साइज़ देना है आप अपने हिसाब से साइज़ दे सकते हैं। तो मैं अपने जो मेरा मेन साइज मेन स्क्रीन है उससे थोड़ा मैं छोटा साइज़ यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसकी स्ट्रिंग में देना होगा साइज़, तो इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ 400 एक्स करूँगा, और इसकी हाइट दे देता हूँ मैं 250, इसकी मैं ये हाइट दे दिया। अब मैं आपको यहाँ पर रन करके भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है जो हमने स्क्रीन दिया था, ये हमें यहाँ पर नहीं देना होगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने टेक्स्ट डाला था टेक्स्ट विजिट, तो यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़र अपना टेक्स्ट देगा इस तरह कुछ भी, और यहाँ पर सीक्रेट की डलवाना है, तो यहाँ पे इसके कंडीशन पे भी काम करूँगा। अगर सीक्रेट की नहीं डली और डायरेक्ट इंक्रिप्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं या तो डिक्रिप्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो हमारा यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज दिखाई दे कि प्लीज़ एंटर द सीक्रेट की, और दूसरा एक और चीज़ डाल देंगे, अगर सीक्रेट की गलत है, जो हमने सीक्रेट की दी थी 1 2 3 4, अगर उससे अलग है सीक्रेट की, तब यहाँ पर दूसरा पॉपअप मैसेज दिखाई देगा कि सीक्रेट की इज़ रॉन्ग। तो इस तरह हम दो यहाँ पर पॉपअप मैसेज यहाँ पर दिखाएंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया है और सीक्रेट की देता है 1 2 3 4। अब जैसे मैं इंक्रीप्ट बटन पे क्लिक करूँगा, देखिए हमारा ये न्यू पेज खुल कर आ गया है। इसका मैं देखिए टाइटल चेंज किया था, टाइटल चेंज हो गया, स्क्रीन का साइज़ चेंज किया था, स्क्रीन का साइज़ भी चेंज हो गया है। इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, तो इसके फंक्शन में आ जाते हैं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम यहाँ पर स्क्रीन का नाम लिखेंगे, स्क्रीन वन डॉट बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम कॉन्फिगर फंक्शन का यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम लिखेंगे bg इक्वल टू जो भी आपको स्क्रीन का कलर चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हैं स्ट्रिंग में, मैं पिंक कलर दे देता हूँ। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया, सीक्रेट की डाल दिया 1 2 3 4, इंक्रीप्ट बटन पे क्लिक किया, ये देखिए हमारा यहाँ पर स्क्रीन बन कर आ गया है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक हेडिंग देना चाहता हूँ, वो सब मैं आगे काम करूँगा, तो यहाँ पर अभी इतना मेरा काम यहाँ पर बन के तैयार हो गया, इंक्रिप्ट वाला पेज यहाँ पर खुल के बन रहा है हमारा। अब यहाँ पर हमें सबसे मेन काम हमें यहाँ पे अप करना है। देखिए ये तो हमने स्क्रीन का सब चीज़ दे दिया, टाइटल ज्योमेट्री कॉन्फ़िगर ये सब हमने कर दिया है। अब जो हमारा मेन काम है कि जब भी हमारा इंक्रिप्ट बटन दबे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ट्रांसलेट हो जाए इंक्रिप्शन प्रोसेस में, तो अब हम इसके प्रोसेस के में काम करने वाले हैं, इंक्रिप्शन प्रोसेस का काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो यूज़र टेक्स्ट देगा उसको हम यहाँ पर उसको फेच करेंगे, मतलब उसके टेक्स्ट को लेंगे, फिर उसके बाद उसके टेक्स्ट को हम यहाँ पे इंक्रिप्शन प्रोसेस में डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं मैसेज नाम से, मैसेज इक्वल टू, अब जो हमने टेक्स्ट डलवाया था उसको नाम क्या रखा था उसका, टेक्स्ट वन, तो हम यहाँ पर मैसेज इक्वल टू टेक्स्ट वन लिखेंगे, और फिर से गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा टेक्स्ट एंटर कर रहा है यूज़र वो हम यहाँ पर पता कर सकें। तो गेट फंक्शन हम यहाँ पे लगा दिए हैं। अब इसके अंदर हमें आर्गुमेंट देना होगा, तो आर्गुमेंट हम यहाँ पे देंगे 1.0, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, कॉमा लगाएंगे फिर कैपिटल लेटर में एंड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे गेट फंक्शन में क्या आर्गुमेंट दिया हूँ, ये 1.0 जो होता है इसका मतलब ये होता है फर्स्ट लाइन जीरो करेक्टर, मतलब पहली लाइन से जीरो करेक्टर से स्टार्ट होके एंड तक जितना भी हमारा टेक्स्ट है, यूज़र जितना भी टेक्स्ट एंटर किया सारे टेक्स्ट को यहाँ पर गेट फंक्शन की मदद से फेच कर लो, पता कर लो। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट को पता कर लिया है मैसेज वेरिएबल के अंदर। अब नेक्स्ट लाइन में हमें इस मैसेज को इंकोड करना होगा, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंकोड मैसेज, इंकोड मैसेज नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पर मीनिंगफुल वेरिएबल बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए किस लाइन में क्या काम हो रहा है। अब हमने जो ये मैसेज को यहाँ पर फेच किया था, जो भी यूज़र एंटर करेगा टेक्स्ट को उसको यहाँ पर लिखना होगा, तो हमने मैसेज नाम के वेरिएबल में टेक्स्ट को फेच किया था, तो हम यहाँ पे मैसेज लिखेंगे वेरिएबल का नाम और डॉट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इनकोड फंक्शन, इनकोड ENCODE, ये हमने इनकोड फंक्शन लगा दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हमें एक चीज़ लिखना होता है, वो उसका नाम है ASCII, ASCII, ये हमें लिखना पड़ता है। तो हमने सेकेंड लाइन में क्या किया, इस मैसेज को यहाँ पर हम इंकोड कर दिए हैं, जो भी यूज़र एंटर करेगा टेक्स्ट उस मैसेज को हम यहाँ पे इंकोड कर दिए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी जो कि थर्ड लाइन है, वो हमारी सबसे मेन लाइन है क्योंकि यहीं पे हम ये वाले मॉड्यूल का यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था base64। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं base64 नाम से, base64
बाइट्स। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया इक्वल टू लगाएंगे। अब जो हमने ये मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट किया था, अब इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो मॉड्यूल का नाम सबसे पहले यहाँ पे लिखना होगा, तो मॉड्यूल का नाम है बेस 64 और डॉट लगाएंगे। इसके अंदर सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है बेस 64 इनकोड, क्योंकि हमें इनकोड करना है मैसेज को, क्योंकि हम अभी इंक्रिप्शन वाले बटन पर काम कर रहे हैं। डॉट यहाँ पर लिखना होगा बी 64। अब यहाँ पे देखिए डिकोड का आ गया और इनकोड का आ गया। जब हम डिक्रिप्शन वाले बटन पे काम करेंगे तो B64 डिकोड लिखेंगे, लेकिन हम अभी इंक्रिप्शन बटन पे काम कर रहे हैं तो हम B64 इनकोड लिखेंगे। और इसके अंदर जिस वेरिएबल के अंदर हमने मैसेज को इनकोड किया था उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ पर इनकोड मैसेज लिख देते हैं, क्योंकि हमने इसी वेरिएबल के अंदर यहाँ पर मैसेज को इनकोड किया था। तो यही हमारी लाइन सबसे मेन है। अब लास्ट हमें यहाँ पर लिख देना है, इंक्रिप्ट करना है, जो भी हमारा मैसेज होगा उसको लास्ट में इंक्रिप्ट कर देना है। तो हम यहाँ पे इंक्रिप्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, इंक्रिप्ट इक्वल। अब इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमने मैसेज को इंकोड किया है, तो इस वेरिएबल का नाम है बेस 64 बाइट्स। हमने बेस 64 बाइट्स लिख दिया और लास्ट में हमें डिकोड फंक्शन लिखना है, डिकोड। इसके अंदर भी हमें यहाँ पर ASCII लिखना होगा, जैसे हमने इंकोड फंक्शन के अंदर लिखा था ASCII। ये हमारा मेन प्रोसेस होता है, ये चार लाइन में हमारा मेन प्रोसेस होगा। इसी में हम टेस्ट को या तो इनकोड कर लेंगे या तो डिकोड कर लेंगे। अब ये हमारा बनके तैयार होगा। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन दिखाई थी इनकोड वाली, उसकी स्क्रीन अभी खाली थी, तो उसके लिए यहाँ पे हम एक हेडिंग डाल देंगे, योर मैसेज इज इनक्रिप्टेड। ये ऑप्शनल है, आप लिख सकते हैं। थोड़ा मैं इसको GUI को थोड़ा प्रोफेशनल बना रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर सारी चीज़ डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक लेबल बनाऊंगा, हेडिंग बनाने के लिए हमें यहाँ पर लेबल का यूज़ करना पड़ता है। मैं यहाँ पर लेबल विजिट का यूज़ करूँगा और लेबल विजिट को हमें नए स्क्रीन के अंदर रखना है। नए स्क्रीन का नाम है स्क्रीन वन। अब इसका टेस्ट हमें क्या देना है, टेक्स्ट आप कुछ भी दे सकते हैं, कोड इज़ इंक्रिप्टेड, योर कोड इज इंक्रिप्टेड, कुछ भी आप दे सकते हैं, योर टेक्स्ट इज़ इंक्रिप्टेड। जो भी आपको टेक्स्ट देना है वो आप यहाँ पर टेक्स्ट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ कोड इज़ इंक्रिप्टेड, या तो मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट इज़ इंक्रिप्टेड, कोड ही लिख देता हूँ मैं। जो आपको यहाँ पर टेक्स्ट देना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोड इज़ इंक्रिप्टेड। ये हमने ये हेडिंग दे दी है। अब यहाँ पर मैं इसका थोड़ा फंट भी थोड़ा मोटा कर दूंगा ताकि हमें हेडिंग अच्छी दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पर फंट इक्वल टू लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं फंट इम्पैक्ट का यूज़ करता हूँ। तो मैं इम्पैक्ट लिख दूंगा और इसकी वैल्यू दे दूंगा, जो हमारे टेस्ट की वैल्यू होगी मैं यहाँ पे 10 देता हूँ, तो इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मैं बोल्ड में रखना चाहता हूँ टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे ये फंट दे दिया है। अब इसको मैं लास्ट में प्लेस कर दूंगा, तो प्लेस करने के लिए प्लेस फंक्शन का यूज़ करूँगा, प्लेस फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दूँगा, तो मान लीजिए एक्स इसका मैं दे देता हूँ 5 और टॉप में इसको मैंने रखना है, तो मैं इसका वाई दे देता हूँ 6। अब मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है टेक्स्ट एंटर करने के लिए, टेक्स्ट मैं एंटर कर दिया। अब यहाँ पे सीक्रेट की मैं एंटर कर दिया। अब जैसे इंक्रिप्ट बटन पे क्लिक करूँगा, ये देखिए हमारा यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको इसको बीच में लाना है या तो नीचे लाना है, तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज करके ला सकते हैं। एक्स एक्सिस चेंज करेंगे तो और थोड़ा ये आगे बढ़ता जाएगा, वाई करेंगे तो ये नीचे आता जाएगा। इस तरह आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इतना काम कर लिया है। अब यहाँ पर एक और टेक्स्ट विजिट बनाऊँगा ताकि हमारा जो ये कोड है, ये हमारा जो मैसेज है, ये इंक्रिप्ट होकर यहाँ पर ये मैसेज दिखाई दे। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट वेरिएबल भी बनाऊँगा, टेक्स्ट विजिट। तो टेक्स्ट विजिट बनाने के लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट का एक नाम रख देता हूँ टेक्स्ट विजिट का, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट 2 डाल देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट 1 नाम से हमने एक विजिट बना चुका है। तो यहाँ पर टेक्स्ट विजिट का यूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट विजिट का यहाँ पे यूज़ करने के बाद इसको भी मुझे नई स्क्रीन में रखना है, तो मैं यहाँ पे screen 1 लिख देता हूँ, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे मैं फंट इसका दे देता हूँ, फंट इसका मैं देता हूँ 30। इसका जो बॉर्डर है उसको भी मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, बॉर्डर के लिए मैं BD लिखता हूँ और इक्वल टू लगा के यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं जितना आपको मोटा करना है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं 4 दे देता हूँ, जितना ज़्यादा वैल्यू देंगे उतना मोटा आपका बॉर्डर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ऑप्शन दे सकते हैं रैप, तो यहाँ पर
रैप का यहाँ पे फंक्शन देता हूँ। रैप से क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे जैसे एक जीयूआई बन के यहाँ पर रहे, तो यहाँ पे आप कुछ जैसे लिखते हैं तो लास्ट में कुछ ऐसा एक वर्ड हो जाता है जिसका तीन वर्ड यहाँ पे रहता है, नेक्स्ट लाइन में दो तीन वर्ड हो जाता है। तो उससे क्या होगा, जब हमारा स्पेस नहीं बचेगा तो नेक्स्ट लाइन में हमारा पूरा वर्ड आ जाएगा, इससे ये होता है। यहाँ पे रैप इक्वल टू कैपिटल लेटर में वर्ड लिखना पड़ता है। अब इसको भी मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जब आप किसी वेरिएबल के साथ किसी विजिट का यूज़ करते हैं तो आपको नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल का नाम लिख के फिर उसको प्लेस करना पड़ता है। यहाँ पे मैं जैसे वेरिएबल का नाम लिख के यहाँ पे टेक्स्ट विजिट का यूज़ किया हूँ, तो मैं नेक्स्ट लाइन में वेरिएबल का नाम लिखूंगा फिर प्लेस फंक्शन का यूज़ करूँगा। और यहाँ पर लेवल विजिट में मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम नहीं लिखा है, वेरिएबल के अंदर नहीं रखा है, तो इसको मैं इसी के साथ प्लेस कर दिया था। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट टू लिखूँगा, वेरिएबल का नाम डॉट प्लेस फंक्शन का यूज़ करूँगा। प्लेस फंक्शन का यूज़ कर लिया, इसके अंदर भी मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देना होगा। तो एक्स इसका मैं दे देता हूँ 2 और वाई दे देता हूँ 30, क्योंकि इसको मुझे थोड़ा नीचे रखना है। इसका मैं वाई 30 रख देता हूँ और इसकी विथ हाइट भी दे देता हूँ। विथ मैं स्क्रीन से थोड़ा छोटा रखूँगा ताकि ये बीच में आ जाए, तो इसका मैं विथ दे देता हूँ 390, क्योंकि जो हमारी इसकी स्क्रीन थी वो 400 थी। इसकी हाइट भी मैं दे देता हूँ, हाइट दे देता हूँ 180, हाइट इक्वल टू यहाँ पे दे देता हूँ 180। अब लास्ट में एक लाइन और हमारी बची है जो कि हमारे ये इंक्रिप्ट करना पड़ेगा, टेस्ट को यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पे इंसर्ट विजिट का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे टेक्स्ट टू डॉट इंसर्ट, यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करेंगे। इंसर्ट फंक्शन का यूज़ कर लिया, अब यहाँ पे हमें आर्गूमेंट देना होगा। पहला है एंड, कैपिटल में लिखना होगा और कॉमा लगाएंगे। हमने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे इंक्रिप्ट किया था इस मैसेज को, तो यहाँ पे इसके वेरिएबल का नाम लिखना होगा। तो यहीं पे हमारा ये बनके अब तैयार हो गया, इंक्रिप्ट बटन का हमने फंक्शन का काम कर दिया है। अब हमें डिक्रिप्शन बटन पे भी यही सेम काम करना है, कोई चेंजेस नहीं है, एक लाइन की चेंजेस है जो हमारी यहाँ पर मेन लाइन होती है। यहाँ पर हमने इंकोड किया था, डिक्रिप्शन बटन में हम डिकोड कर देंगे बस, और चीज़ सारा चीज़ हमारा सेम रहेगा। अब मैं इसको यहाँ पर रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं मैसेज जैसे लिख देता हूँ हेलो, यहाँ पे सीक्रेट की लिख देता हूँ जो कि हमारा था 1 2 3 4। जैसे मैं इंक्रिप्ट बटन पे क्लिक करूँगा, देखिए हमारा ये इंक्रिप्टेड हो गया मैसेज, ये देखिए मीनिंगलेस डाटा में हमारा ये कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरह हम यहाँ पे इसका यहाँ पे इंक्रिप्ट बटन बना लिए हैं। अब हम आगे करेंगे डिक्रिप्ट बटन पर काम। यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं, अभी मैं जैसे यहाँ पर इसका यहाँ सीक्रेट की नहीं डाला हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर इंक्रिप्ट बटन का यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ, तो हमारा ये फंक्शन नहीं काम कर रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर यूज़र अगर यहाँ पर सीक्रेट की ना डाले और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दे, तो उसको यहाँ पे पॉपअप मैसेज दिखाई दे कि एंटर द सीक्रेट की, और या तो सीक्रेट की गलत हो तो उसके लिए भी एक पॉपअप मैसेज दिखाई दे प्लीज़ एंटर अ वैलिड सीक्रेट की। तो इस तरह मैं 2 यहाँ पर पॉपअप मैसेज यहाँ पर तैयार करूँगा। तो उसके लिए मैं किंटर मॉड्यूल में से मैसेज बॉक्स को इम्पोर्ट करूँगा। मैं लिख देता हूँ फ्रॉम किंटर इम्पोर्ट मैसेज बॉक्स, अब इसी मदद से हम पॉपअप मैसेज दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं एलिफ, पहले यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर चुका हूँ, अब यहाँ पे लास्ट में मैं एलिफ स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलिफ, और जो हमारा पासवर्ड किस वेरिएबल में हो रहा था, वेरिएबल का नाम था हमारा यहाँ पासवर्ड, इसी वेरिएबल के अंदर हमारा कोड एंटर हो रहा था। तो हम यहाँ पे एलिफ लिख देते हैं, ब्रैकेट के अंदर पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड इक्वल टू एम्प्टी, इस तरह। अगर हमारा पासवर्ड एंटर है तब क्या हमें पॉपअप मैसेज दिखाई दे, डबल कोलन लगाएंगे, यहाँ पे एंटर हिट करेंगे। एंटर हिट करने के बाद अब यहाँ पे मैसेज बॉक्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स लिख देते हैं डॉट, अब इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे शो एरर होता है, शो इन्फो होता है, आर्क्स यस नो होता है, बहुत सारे होते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर एरर दिखाना है, तो मैं यहाँ शो एरर फंक्शन का यूज़ करूँगा, शो एरर। अब शो एरर फंक्शन के अंदर हमें 2 आर्गूमेंट देना होता है, पहला टाइटल दूसरा मैसेज। तो मैं टाइटल यहाँ पर देता हूँ एरर, ये हमने टाइटल दे दिया, अब कॉमा लगाऊंगा मैसेज दिखाऊंगा। तो अगर यूज़र पासवर्ड नहीं एंटर कर रहा तो उसके लिए मैं यहाँ पर मैसेज दिखा देता हूँ प्लीज़ एंटर द सीक्रेट की, प्लीज़ एंटर द सीक्रेट की, सीक्रेट की स्पेलिंग गलत हो गई, सीक्रेट की,
ये हमने ये पॉपअप मैसेज पहला बना लिया है। अब नेक्स्ट हम एक और पॉपअप मैसेज दिखा देते हैं कि अगर पासवर्ड अगर गलत है तो उसके लिए एक अलग पॉपअप मैसेज दिखाई दे। तो फिर से हम एलिफ का यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लिख देंगे पासवर्ड इक्वल टू नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू इस तरह हम लिखते हैं, नॉट इक्वल टू को हम इस तरह लिखते हैं। तो हमारा जो सीक्रेट की था वो था 1234, तो हम यहाँ पे 1234 लिखती है। तो हम यहाँ पे इसके एलिफ स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि अगर हमारा पासवर्ड 123 के इक्वल नहीं है तब हमारा पॉपअप मैसेज दिखाई दे। तो यहाँ पे डबल कोलन लगाएंगे, नेक्स्ट एंटर हिट करेंगे और यहाँ पे मैसेज बॉक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी हम शो एरर का फंक्शन का यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम फिर से टाइटल देते हैं एरर ऊफ दे देते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइटल मैसेज यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ऊफ्स यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया और यहाँ पर मैं मैसेज दिखा देता हूँ इनवैलिड सीक्रेट की, इनवैलिड सीक्रेट की। तो हमने यहाँ पर ये दोनों का पॉपअप मैसेज बना लिया। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यूज़र यहाँ पे कोई भी मैसेज यहाँ पे एंटर करेगा, टेक्स्ट एंटर करेगा, अब अगर यहाँ पे पहले मैं इंक्रीप्ट बटन पे क्लिक करा तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सीक्रेट की नहीं डालता हूँ, डायरेक्ट इंक्रीप्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो अब मुझे यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाई देगा जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है। यहाँ पर मैंने बनाया था कि अगर हमारा जो पासवर्ड है खाली है तो हमें पॉपअप मैसेज दिखाई देगा प्लीज़ एंटर द सीक्रेट की। तो मैं यहाँ पर देखिए बटन पर क्लिक किया, मुझे यहाँ पर दिखा रहा है प्लीज़ एंटर द सीक्रेट की। अगर सीक्रेट की एंटर हो रही है लेकिन सीक्रेट की गलत है और इंक्रीप्ट बटन पे क्लिक हो रहा है तो उसके लिए भी एक पॉपअप मैसेज मैंने बनाया था, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनवैलिड सीक्रेट की। तो अब जब तक सीक्रेट की सही नहीं होगा तब तक हमारा इंक्रीप्ट बटन काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर सही डाल देता हूँ, सीक्रेट की 1234 है, 1234। अब मैं जैसे इंक्रीप्ट बटन पे क्लिक करूँगा देखिए हमारा ये काम कर गया, यहाँ पर ये डाटा हमें मिल गया। अब यही सेम काम हमें डिक्रिप्ट बटन क्लिक करना है, तो मैं इसको सीधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा, इतना लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। और क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं कॉपी कर लिया हूँ, तो सबसे पहले जो डिक्रिप्ट वाला बटन मैंने बनाया था उसके अंदर मुझे कमांड देना होगा, वह फंक्शन का नाम। तो मैं डिक्रिप्ट बटन का यहाँ पर कमांड दे देता हूँ, कमांड का नाम फंक्शन का नाम रख देता हूँ डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट रख दिया। अब इसका एक फंक्शन बना लूँगा, नीचे आएंगे और यहाँ पे फंक्शन बना लूँगा डिक्रिप्ट का। ये हमने फंक्शन बना दिया डिक्रिप्ट बटन का। अब इसके अंदर मुझे वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर देना है, तो मैं इसके अंदर कॉपी पेस्ट ये सेम चीज़ कर दिया हूँ। ये सारी चीज़ जो इंक्रीप्ट बटन में रहेगी वही डिक्रीप्ट बटन में रहेगी, कि अगर हमारा पासवर्ड ये है तभी ये हमारा काम करे। इसके अंदर कुछ आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे इसका अब जो नई स्क्रीन होगी उसकी स्क्रीन का नाम भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इसका मैं स्क्रीन 2 कर देता हूँ नाम। यही थोड़ी थोड़ी चेंजेस आपको करनी होगी, बाकी सब चीज़ चेंज रहेगा। इसका बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, तो मान लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर मैं रख देता हूँ ग्रीन कलर में रख देता हूँ, ग्रीन का। आप अपने हिसाब से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अब जहाँ जहाँ आप स्क्रीन का नाम लिखें उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारी ये मेन लाइन है यही हमारी ये मेन लाइन है, यहीं से हमारा पता चलेगा कि मैसेज इंकोड हो रहा है डिकोड हो रहा है। तो हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि B64 लगाने के बाद दो चीज़ दिखा रहा था, इंकोड और डिकोड का। तो इंक्रिप्ट वाले बटन पर हमने इंकोड किया था और डिक्रिप्ट वाले बटन पर हम डिकोड करेंगे, यहाँ पे इंकोड की जगह डिकोड लिखेंगे, डिकोड, और सारी चीज़ हमारी सेम रहेगी। और स्क्रीन का नाम यहाँ पे चेंज हुआ है, तो स्क्रीन का नाम हमारा स्क्रीन 2 है, यहाँ पे स्क्रीन 2 लिख देता हूँ और सारी चीज़ हमारी सेम रहेगी। अब हमारा ये दोनों बटन बन के तैयार हो गया, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ये अपना नाम लिख दिया। अब मैं सीक्रेट की नहीं एंटर करूँगा, कोई भी दो बटन प्रेस करूँगा तो हमें यहाँ पे पॉपअप मैसेज दिखाई देगा। पहले मैंने इंक्रीप्ट बटन पे क्लिक किया था, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ये वाले बटन पे, देखिए प्लीज़ एंटर द सीक्रेट की। अब सीक्रेट की मैं गलत डाल देता हूँ, फिर से डिक्रिप्ट बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड सीक्रेट की। अब मैं यहाँ पर सही सीक्रेट की डाल देता हूँ।
अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया हूँ, अब इसको यहाँ पर सीक्रेट की भी सही दे दिया। जैसे मैं डिक्रिप्ट में यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारा काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये पहले से डिक्रिप्ट मैसेज है। डिक्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ये मीनिंगलेस डाटा को टेक्स्ट डाटा में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये हमारा पहले से टेक्स्ट डाटा है, तो इसको मैं पहले इंक्रिप्ट में करूँगा। इंक्रिप्ट कर दिया, अब इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूँगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्लोज करूँगा, इसको हटा दूँगा। यहाँ पे मैं इंक्रिप्ट वाला मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डिक्रिप्ट करूँगा तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो डिक्रिप्ट प्रोसेस में चला जाएगा और यहाँ पे हमें प्लेन टेक्स्ट मैसेज मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिक्रिप्ट बटन पे क्लिक किया, ये देखिए हमारा ये प्लेन टेक्स्ट मैसेज मिल गया इस तरह। तो अभी हमारा इंक्रिप्ट बटन और डिक्रिप्ट बटन दोनों काम कर रहा है। अब लास्ट हमें रीसेट बटन पर काम करना है। रीसेट बटन के लिए खाली हमें दो लाइन लिखना होगा बस। तो हमारा ये दो बटन बन के तैयार हो गया है। लास्ट रीसेट बटन पे काम करना है, तो इसके अंदर भी मैं कमांड दे देता हूँ। कमांड इक्वल टू रीसेट नाम रख देता हूँ फंक्शन का नाम, रीसेट। मैं इसके नीचे आ जाऊँगा, डिलीट करूँगा। अब मैं इसका भी फंक्शन बनाता हूँ, रीसेट नाम से बनाया था रीसेट, ये मैंने इसका फंक्शन बना लिया हूँ। अब जो हम सीक्रेट की एंटर करा रहे थे, रीसेट में क्या होता है कि जैसे रीसेट बटन क्लिक हो तो सारा चीज़ हमारा साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे मैं रीसेट बटन पे काम कर देता हूँ। तो जो सबसे पहले मैं जो टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ से हटवाना चाहता हूँ, तो टेक्स्ट का नाम लिखूँगा जो कि हमारा टेक्स्ट वन डॉट, और यहाँ पर डिलीट फंक्शन का यूज़ करूँगा। डिलीट फंक्शन का मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। इसके अंदर भी मुझे वही आर्गूमेंट देना है 1.0 और एंड, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक सारा चीज़ डिलीट हो जाए। यहाँ पे मैं आर्गुमेंट देता हूँ 1.0 कॉमा एंड। इन दोनों आर्गुमेंट का मैंने आपको मतलब यहाँ पे बता चुका हूँ। 1.0 का मतलब फर्स्ट लाइन जीरो करेक्टर, एंड का मतलब लास्ट तक। तो हमने ये टेक्स्ट जो एंटर हुआ है वो उसको डिलीट करवा दिया। अब जो सीक्रेट की है उसको भी मुझे यहाँ पर हटवाना है, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट वेरिएबल दिया था सीक्रेट की का, वो था कोड, कोड इक्वल टू सॉरी कोड डॉट सेट फंक्शन का यूज़ करना है कि जैसे रीसेट बटन क्लिक हो वैसे हमारा यहाँ पर सब चीज़ साफ़ हो जाए। तो रीसेट फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पर हमें सीधा ये एम्प्टी स्ट्रिंग दे देना है। तो ये हमारा रीसेट बटन भी बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको सारी चीज़ यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ चला के। अब हमारा ये प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट एंटर करना है, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट दे देता हूँ, कुछ भी टेस्ट दे दिया। सीक्रेट की सही डालूंगा तभी हमारा काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो मैं यहाँ पे सही डाल देता हूँ, पहले आपको सब चीज़ करके दिखाता हूँ। नहीं डालूंगा, इस पर क्लिक करूँगा तो ये दिखाएगा प्लीज़ एंटर सीक्रेट की। गलत सीक्रेट की डाल दूंगा, इस पर दबाऊँगा तो दिखाएगा इनवैलिड सीक्रेट की। इस पर भी दबाऊँगा तब भी दिखाएगा इनवैलिड सीक्रेट की। तो यहाँ पर मैं सीक्रेट की सही डाल देता हूँ, 1, 2, 3, 4। इसको मैं इंक्रिप्ट बटन पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा इंक्रिप्टेड हो गया मैसेज। अब यही मैसेज को हम कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अगर इस तरह मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ, डिक्रिप्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये एक और स्क्रीन खुल के आ गया, यहाँ पे हमारा मैसेज डिक्रिप्ट हो गया है। तो ये दोनों बटन तो मैंने आपको दिखा दिया है। अब लास्ट मैंने बटन बनाया था रीसेट का, कि मैं जैसे रीसेट बटन दबाऊँ तो ये और ये चीज़ दोनों साफ़ हो जाए। मैं ये देखिए रीसेट बटन पर दबाया, ये चीज़ हमारा साफ़ हो गया। फिर से दिखा देता हूँ, इस तरह मैं कुछ भी लिखा और रीसेट बटन पर दबाऊँगा तो ये देखिए ये मेरा साफ़ हो गया सब चीज़। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह पाइथन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लाता रहूँगा, वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अगर आपको इस प्रोजेक्ट को एज अ सॉफ्टवेयर बनाना है, एज अ एप्लीकेशन बनाना है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट को एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।